हमेशा सीखने की प्रवृत्ति रखिएगा। और आज के टाइम पे बाप रे एक बहुत बड़ी समस्या ना कि दूसरे से प्रति जलन जरतुआही, जरतुआही समझते हैं हम लोग, बिहार का ठेठ भाषा है, पता नहीं आप लोग समझते हैं कि नहीं जाए मतलब कौन कितना खुश है, मतलब उसका पड़ोसी जितना दुखी है वो उतना खुश है। ये सब चीजों से थोड़ा आज के समय में अपने आप को थोड़ा बचा के रखने की कोशिश कीजिएगा लोग, क्योंकि किसी के जलन वगैरह से नहीं होता। अक्सर देखिएगा ना, चूंकि ये एंटरप्रेन्योर है, बिजनेस का चीज है, तो एक छोटा सा देखिएगा ना, गाँव में किसी के पास समोसा का दुकान चल जाता तो उसके बगल में एक और समोसे खोल देता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप डिसीजन आप कभी भी किसी और के मर्जी से इन्फ्लुएंस होके लीजिएगा वो कभी डिसीजन सही नहीं होगा। डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, आप क्या कर सकते हैं। और ये जिस दिन आप पहचान गए उस दिन समझिए आधा काम आप अपने से कर दिए यहाँ पर। और वो सबके अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपको खाली हाथ भेजा, सबके अंदर कुछ ना कुछ है। और ये लोग भले कहते हैं कि खाली हाथ आए थे, ठीक है खाली हाथ आए थे, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है, इस देश का ऋण चुका के जाना है, समाज को कुछ दे के जाना है, एक अच्छे सिद्धांत अच्छे कर्म को दे के जाना है। क्या कोई कह सकता है कि अब्दुल कलाम खाली हाथ गए थे? नहीं खाली हाथ गए थे। विवेकानंद खाली हाथ गए थे? अंबेडकर साहब खाली हाथ गए? नहीं गए। तो इस देश में हम खाली हाथ जरूर आए थे, लेकिन इस देश का कर्ज उतारना है, खाली हाथ लौटना नहीं है। कुछ ऐसे सिद्धांत अपने साथ है, कुछ अपने पीछे कुछ यादें छोड़ के जाना है जिससे कि दुनिया याद कर सके हम लोग को। और हमेशा चीजों में ना अपनी ईमानदारी करिएगा, आप कितना ईमानदारी से काम करते हैं, कितना लगन से काम करते हैं, सफलता इसी चीज पे डिपेंड करती है। बाकी ऐसे चीजें कि भाई ये करना चाहिए, बस आप कितना समय दिए हैं किसी चीज को, कितनी ईमानदारी से किए हैं, ये मायने रखता है आपको। आप किसी चीज को समय नहीं दीजिएगा कभी सफल नहीं हो सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर और बिजनेस इस सब के चीज़ों में एक चीज़ बहुत बड़ी डेलिमा होती है ना कि सोचते बड़ी ज़्यादा हैं लोग, प्लानिंग बहुत करते हैं, 6 महीना से उसका प्लानिंग ही चल रहा है। अरे भाई 6 महीना में कमवा शुरू किए रहते तो कुछ एक्सपीरियंस हो गया रहता, कुछ ठोकरें लगी होती, शुरू कर दो चाहे जैसे करना है। यहाँ पर ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एकदम फिनिश होकर काम करे, हर चीज़ जमीन से कभी पेड़ नहीं निकल सकता, पौधा ही निकलेगा। आज सीखिए, क्योंकि अगर कल कोई शुरू करता है आपके बाद तो आपके पास उसे एक दिन का एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस रहेगा। और हमेशा याद रखिएगा, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है।